एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। नोनी भी हाई कर रहा है सबसे पहले। नोनी क्या गिरा दिया बेटा आपने? नोनी हाई बोलो। हाय। तो ये टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। आज हो गया है थर्सडे और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं फटाफट काम करने में लगी हुई थी और आज सुबह से काफ़ी अच्छी धूप है। रात भर और कल दिन भर बहुत बारिश हुई है, तो अभी मतलब अच्छी धूप तो आई है लेकिन वेदर का कुछ नहीं पता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने ढेर सारे कपड़े, मतलब पूरी बालकनी भरी हुई है कपड़ों से, और जो रेलिंग होती है वो भी मैंने कपड़ों से ही भर दी है पूरी। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं नोनी के, नोनी दरी गीली कर देता है और मैट्रेस प्रोटेक्टर ये सारी चीज़ें, और योगा मैट भी मैंने धोया है, बहुत गंदा हो गया था। तो इसीलिए मैं सुबह से काम कर रही थी और वैक्यूम किया है मैंने आज वैक्यूम क्लीनर से। जो ये होते हैं स्लाइडर, ये क्लीन किए, विंडो वाले स्लाइडर भी क्लीन किए क्योंकि जब से आए थे मैंने क्लीन ही नहीं किए थे, वो तो और भी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि कबूतर बहुत आते हैं तो उनके पंख उड़ के ना ऐसे स्लाइडर के अंदर घुस जाते हैं और इतने सारा गंदगी, इतनी सारी धूल मिट्टी जमा हुई थी, तो वो मैंने अच्छे से वैक्यूम किया आज। इस वजह से मुझे टाइम लग गया और अब जो है मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। नोनी इधर से उधर खेल ही रहा है तब से, तो अब जो है लंच बनाते हैं। मैंने सब्ज़ी मंगाई थी, सब्ज़ियाँ भी आ चुकी हैं तो मेरे पास ना टाइम बिल्कुल नहीं है, तो लंच बनाने का टाइम हो गया है। चलिए किचन में चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्ज़ियाँ मैंने मंगवाई थी उनको मैं खाली कर दूंगी और उसके बाद वॉश कर लूंगी ताकि एक दो घंटे में इनका पानी निथर जाए, तो मैं इनको फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी क्योंकि यहाँ पे कुक टॉप के ऊपर इतना स्पेस नहीं है, तो इसलिए ना ज़्यादा सामान मैं यहाँ पे रखती नहीं हूँ और जितना हो सके मतलब इसको खाली खाली करके ही रखती हूँ ताकि थोड़ा सा काम करने में प्रॉब्लम ना रहे। और कुकिंग करते टाइम पर क्या होता है ना, बहुत सारा स्पेस तो चाहिए ही होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुकटॉप मेरा ज़्यादातर टाइम पे खाली रहे। और मैंने फूल गोभी भी मंगाई थी पहली बार, तो यहाँ पे अदरक, नींबू, गाजर और लहसुन ख़त्म हो गया था तो मैंने लहसुन भी मंगाया था, साथ में हरा धनिया और बैंगन। अभी तक मैंने जो हैं छोटे वाले ही मंगवाए थे, तो इस बार मैंने लंबे वाले बैंगन मंगाए हैं, ये ट्राई करके देखूँगी। तो नोनी को भी मेरे साथ ही बैठना था यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर बिठा दिया है मैंने। और देहरादून में तो आपने देखा होगा वहाँ पे दो दो विंडो लगी हुई थी किचन में, तो बहुत अच्छा था, खुला खुला स्पेस था और वहाँ पे ना वो खड़े होके विंडो से बाहर देखता रहता था, तो बहुत अच्छा लगता था। से हाय, लव यू ऑल। बॉक्सिंग। और नोनी और मेरी मस्ती इस तरह से चलती रहती है, दिन भर हम लोग ऐसे करते रहते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं लंच, और लंच के लिए मैं बना रही हूँ मटर और सोयाबीन पुलाव। तो सोयाबीन मैंने अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, उनको निचोड़ के सबसे पहले मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करके बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक अच्छा सा क्रंच आता है। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर लिया था, कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, तो सेम लंच नोनी के लिए भी रहने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कम स्पाइसी वाला बना रही हूँ। तो थोड़ी सी काली मिर्च, एक इलायची और साथ में तेज पत्ता इसमें डाल दिया है, एक चम्मच जीरा मैंने डाल दी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रैकल हो जाएँ इसके बाद मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट करके ऐड कर लूँगी। तो प्याज को भी 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनना है और इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का। तो सारी चीज़ें मैंने रफली ही चॉप करके ऐड कर दी हैं, तो टमाटर को अच्छे से गलाएंगे, साथ में मसाले भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और धनिया पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ये स्पाइसी नहीं होता, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाता है इसलिए मैंने ऐड किया है। साथ में 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है। तो बस ये सिंपल रेगुलर मसाले मैंने ऐड करके इसको ढक दिया है, अब 5-6 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने इसमें लहसुन तो ऐड नहीं किया है, तो इसमें लहसुन कूट के मैंने ऐड कर दिया था, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मसाले को अच्छे से पकाना है 7 से 8 मिनट तक। तो बस यहाँ पे मसाला तैयार हो चुका है अच्छे से, इसमें से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे मैं सोयाबीन जो मैंने फ्राई करके निकाली थी वो ऐड कर दूंगी। साथ में ये फ्रोज़न मटर है, इनको मैंने 2-3 पानी से वॉश कर लिया था, वो भी ऐड कर दूंगी साथ में। तो इसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं, ये नॉर्मल रेगुलर राइस हैं, कोलम राइस, मैंने बासमती वाले ऐड नहीं करे हैं, अगर बासमती हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा टेक्स्चर लेके आते हैं, टेस्टी भी लगते हैं। तो बस यहाँ पे राइस को भी अच्छे से भूनना है 3-4 मिनट तक, जब तक एकदम खिला खिला सा नहीं दिखने लगता है इसका दाना,
तभी पुलाव अच्छा बनता है, खिला खिला बनता है। एकदम से पानी ऐड नहीं करना है। और बहुत ही हल्के हाथों से इसको चलाते हुए 3-4 मिनट तक मैंने इसको भूना था, और उसके बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मतलब खिला खिला सा दिखने लगा है। तो अब बस लास्ट में इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पानी सिर्फ 1 या 1.5 कप ऐड किया है, क्योंकि मैंने आधे घंटे के लिए चावल पहले सोख करके रखे हुए थे। तो बस उसको मैं ढक के पका लूँगी, और मीनवाइल यहाँ पे तैयारी करेंगे बहुत ही टेस्टी चटनी की। ये नो अनियन नो गार्लिक वाली चटनी है, तो आप इसको व्रत में भी बना सकते हो, और रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ऐड कर दिया है, सॉल्ट भी साथ ही ऐड कर दूँगी, और 1 नींबू मैंने यहाँ पर स्क्वीज़ करके ऐड कर दिया है खट्टे के लिए। जैसे कि आप सबको पता है टमाटर अभी बहुत महंगे हैं, और टमाटर की जगह आप नींबू भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें नींबू ही अच्छा लगता है। और साथ में यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने दही के ऐड किए हैं। तो ये दही और हरे धनिया वाली चटनी है, जो खासकर पकोड़ों के साथ में अच्छी लगती है, लेकिन मैं यहाँ पे पुलाव के साथ बना रही हूँ, और पुलाव के साथ भी ये बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस बढ़िया सी चटनी बनके तैयार हो गई है। मीनवाइल जब तक मैं कुकिंग कर रही थी, मैंने ट्राईपॉड नीचे रखा हुआ था, और उन्होंने को लग रहा था कि मैं थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ आप सबके साथ। तो बस यहाँ पर उसकी मस्ती फिर से शुरू हो गई है। तो ना उसको मतलब कैमरे के सामने बात करना, हाय बोलना, बाय बोलना, एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे पुलाव भी बनके तैयार हो चुका है, सारा पानी सोख कर लिया है चावल ने, और चावल अच्छे से बन चुके हैं। इसको मैं ज़्यादा चलाऊँगी नहीं, बस एक बार मैंने चेक किया, और ऊपर से हरा धनिया डाल के मैंने इसको गार्निश कर लिया है, और इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद एकदम खिला खिला सा पुलाव बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद मैं वेदर दिखा देती हूँ। आज अच्छी सी धूप आई थी, तो ढेर सारे कपड़े जो कल के गीले रह गए थे वो मैंने डाल दिए हैं धूप में फ़िलहाल सूखने के लिए। तो इसके बाद टेस्टी और सिंपल से लंच थाली मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मटर सोयाबीन पुलाव, सोयाबीन एक्चुअली बड़ी बड़ी साइज़ की थी, मैंने इसको फिर भी 2 साइज़ में कट किया था ताकि उन्होंने को खाने में दिक्कत ना हो, और साथ में ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। तो उसके बाद सीधा आफ्टर लंच मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो लंच हो गया था, बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे, किचन क्लीन हो गया है। इसके बाद बारी आती है घर की सफाई करने की, क्योंकि खाना खाते हुए नोनू बहुत ज़्यादा घर गंदा कर देता है, खाना फैला देता है। क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में भी मेंशन किया था कि नोनू को खुद से खाना आजकल अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, स्पून पकड़ के खुद ही खाने की कोशिश करता है, और सब जगह वो खाना खाना गिरा देता है। तो यहाँ से लेके पूरे किचन तक ना चावल चावल गिरे हुए थे, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो मुझे एक बार दोबारा झाड़ू लगाना ही पड़ता है, और एक बार मैं अच्छे से मॉप भी कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे बैठ के हम खाना खाते हैं, फिर नोनू यहीं पे बैठ के खेलता है, तो वो एरिया एकदम साफ़ सुथरा रहे तभी अच्छा लगता है। तो नोनू यहाँ पे मस्ती कर रहा है, तब तक मैं यहाँ पे अपनी क्लीनिंग वगैरह कम्प्लीट कर लूँगी। दो बज गए हैं, और जैसे ही सारे काम कंप्लीट करके मैं अंदर आई, वैसे बारिश शुरू हो गई है। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने कपड़े जो है ना रेलिंग से उठा के क्लोथ स्टैंड में डाल दिए थे, क्योंकि कपड़े ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं आज। और अच्छी सी धूप भी आ गई, और अब जो है मौसम फिर से अच्छा हो गया बारिश वाला। तो अब मैं नोनी को सुलाती हूँ, इतना काम बढ़ा देता है ये। फिर भी लोग कहते हैं कि आप मतलब इतना काम ज़बरदस्ती का करते हो, ज़बरदस्ती का नहीं होता है, नोनू के साथ में हो ही जाता है, क्योंकि मैं इसको दिन भर तो डायपर नहीं लगा के रख सकती हूँ, अंडरवेयर पहना के रखती हूँ, तो ये जगह जगह पे पी कर देता है। कभी तो मुझे पता चल जाता है तो मैं करा लेती हूँ, और अब इसके पॉट में बैठने की हैबिट भी मतलब वो हो रही है आजकल, नहीं पॉट में बैठना पसंद नहीं करता है, तो ये जगह जगह पे गीला कर देता है, और जगह जगह पे पानी गिरा देगा, जगह जगह पे खाना गिरा देगा। तो इसके साथ फिर मुझे सफाई तो करनी ही पड़ती है ना, मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि पानी वानी गिरा रहता है, नोनू ऐसे भागता है, फिर सर के बल कई बार गिर चुका है ये, और डेली गिरता है, मतलब एक ना एक बार इसको चोट ज़रूर लगती है, तो इसलिए मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, बताने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है ना, इसलिए बोलना पड़ता है। तो चलिए मैं आपसे शाम को मिलती हूँ अब, और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ, थोड़ी देर नोनू को रेस्ट कराती हूँ और मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो इसके बाद मैं शाम के टाइम पे आ गई हूँ, करीबन अभी 4 बजने वाले हैं, और नोनी बहुत आराम से सो रहा है, क्योंकि आजकल क्या करता है वो लंच करने के बाद बहुत देर में सोता है, करीबन 2:30-3 बजे तक, तो फिर वो 4:30-4 बजे तक सोता ही रहता है।
तो जब तक वो सो रहा है मैं किचन में आके कुछ और काम करूँगी और साथ ही डिनर की तैयारी करूँगी। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप इतनी जल्दी डिनर क्यों बनाते हो, क्योंकि देहरादून से ही मुझे हैबिट है और वहाँ ऐसा होता था कि डिनर वगैरह बना के हम थोड़ा सा आउटिंग पर चले जाते थे, तो अंदर मतलब घर आते आते काफ़ी लेट हो जाता था, फिर वहाँ से आके डिनर बनाओ तो और भी बहुत सारे काम होते थे, तो इसलिए मैं पहले बना लेती थी ताकि एक टेंशन कम हो जाए मेरी। तो वही हैबिट मेरी अभी भी है, डिनर बना के रख लो ना तो फिर बाद में नोने के साथ में आराम से टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, घर पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग घर पे वीडियो कॉल कर लेते हैं, नोने के साथ में खेल लेती हूँ, तो यही हम दोनों का बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है एक साथ में। तो फिलहाल कुछ कंटेनर्स खाली हो गए थे, इनको भी मैंने फिल कर दिया है जो मैं डीमार्ट से ग्रॉसरी लेके आई थी, और साथ ही ये हैं आलू वाले चिप्स, आलू और जीरा चिप्स बहुत ही सिंपल हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, चाय के साथ भी खा लो या लंच में भी आप फ्राई करके बना लो तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो नोनू को भी पसंद है तो ये मैं रिफ़िल कर दूंगी, खाली हो रहा था। पौने 6 बज गए हैं और चाय बन चुकी है मेरी, चाय के साथ में लूँगी ब्रेड बटर। तो यहाँ ब्राउन ब्रेड जो है ना छोटी वाली पैकेट नहीं मिल रही थी, तो मैं छोटे वाले वाइट ब्रेड लेके आ गई हूँ, बटर के साथ अच्छे लगते हैं। और नोनी के लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था दूध डाल के, काफ़ी अच्छा हो रहा था, मैंने भी खाया। और सब्ज़ी में भी मैंने आज ना आलू सोयाबीन ही बनाया है, क्योंकि सोयाबीन खाने का मन हो रहा था, कल मैं डी मार्ट से जाके लेके आई थी, कल या परसों, कल लेके आई थी, तो सोयाबीन की सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था, तो अभी मैंने आलू सोयाबीन बनाया है, आटा भी गूंथ के रख लिया है। और आज मैं चावल के आटे की रोटी बनाने वाली हूँ जैसे उस दिन दिव्या ने बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा मिक्स करके गूंथ लिया है, रख दिया है, तो मैं रात को ट्राई करके देखूंगी कि कैसे बनती है। माड़े तो मैं बनाती ही हूं, लेकिन रोटी इस बार ट्राई करेंगे। तो चलिए चाय लेके मैं चलती हूं हॉल में, मैंने वहां पे लेट के आराम से राइम्स देख रहा है, आप देख लो, उसके लिए मैंने राइम्स लगाई हुई है, वो देख रहा है। और दोपहर में भी काफ़ी बारिश हुई थी, अभी रुकी हुई है, लेकिन हम कहाँ जाएं, बाहर इतना कीचड़ है सब जगह पे, तो बालकनी में ही बैठेंगे थोड़ी देर। तो चाय लेके मैं हॉल में आ गई हूँ, अभी यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं जिनको फोल्ड करना है, तो काफ़ी टाइम से मतलब सुबह से ही ऐसे रखे हुए हैं क्योंकि इतने सारे काम हो गए थे और बीच में मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी, तो अभी मुझे बैठ के ये भी फोल्ड करना है, उससे पहले मैं चाय और ब्रेड बटर लूँगी, साथ में मैंने टीवी भी चलाई हुई है, तो टीवी में आजकल ज़्यादातर मतलब या तो कुमाऊनी सॉन्ग ही चलते हैं या नोनी की राइम्स, और मूवी सीरियल्स वगैरह तो मैं बहुत तो कम कुछ देखती और हूँ। सब्ज़ी लेके आई हूँ, तो केले ख़त्म हो गए थे, नोनी के लिए केले लाई हूँ, और छोटे छोटे से दो एप्पल मिले हैं, और 10 रुपये का एक एप्पल मिला, जस्ट मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ कैसे होते हैं। 200 रुपये किलो है इनका रेट, मैं 10 रुपये के मतलब 10 रुपये का एक दे रहे थे वो, तो मैं दो लेके आई हूँ, पता नहीं कैसे होते हैं, इतने छोटे छोटे वाले मैंने पहले खाए नहीं हैं। और ये लेके आई हूँ मैं अरबी, अरबी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये। तो अभी शाम का समय हो गया है, सबसे पहले मैं दिया बत्ती कर लूँगी, और टाइम से दिया बत्ती कर लो, भगवान जी के आशीर्वाद ले लो ना, और तो मन को भी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, फिर बाकी के और काम भी हम आराम से कर सकते हैं। तो नोनी अभी खेल ही रहा है बाहर, मैं दूध का थैला टांगूंगी डोर पे, सुबह दूध वाले भैया मॉर्निंग में वहाँ पे पैकेट डाल के चले जाते हैं, तो बस इसके बाद में जो रोटियाँ बनानी है, आटा तो मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था, तो चावल का आटा और थोड़ा सा गेहूं का आटा लगा के रखा था, तो बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और थोड़ी सी इसकी मतलब मोटी रोटी बना के मैंने इसको सेका था, तो इसलिए ना काफ़ी सॉफ्ट बनी थी, क्योंकि अगर हम इसकी पतली रोटी बेल के सेकेंगे ना तो ये थोड़ी सी ड्राई हो जा रही है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको मोटा ही रखा था, और दोनों तरफ से इसको आटा लगा के नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है, और तवे पे मैं इसको घी लगा के दोनों तरफ से सेक लूँगी ताकि ये खाने में एकदम सॉफ्ट रहे। तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे चावल की ये रोटी, और मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बनाऊँगी, तो फर्स्ट टाइम आज मैंने बनाया था और अच्छा लगा खाने में, नोनी को भी मैंने यही खिलाई थी। तो रोटियां मैंने सेक ली हैं, नोनी अभी भी मेरे साथ ऊपर ही बैठा हुआ है, और डिनर करने में अभी टाइम है, तो हम लोग 8:30 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, और अभी आई थिंक 8:30 होने वाले हैं, तो जब तारक मेहता आता है ना टीवी पे, तो उस टाइम पे वो देखते देखते फिर हम डिनर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
तो देहरादून में भी हमारा यही रूटीन था फिक्स, 8:30-9 बजे हम डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी मेरे पास टाइम था तो मैं कुकटॉप और स्टोव क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है और वहाँ पे स्पेस नहीं है उतना, तो इसलिए मैं जल्दी से उसको क्लीन कर लेती हूँ। और मेरे लिए ही आराम होता है ताकि मैं बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से काम कर सकूँ टीवी देखने के बाद, डिनर करने के बाद। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट बैठ के रिलैक्स किया और अब हम डिनर कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सिंपल खाना बना था और काफ़ी अच्छी लगी, चावल की रोटी और सोयाबीन की सब्ज़ी के साथ और भी अच्छा टेस्ट आ रहा था। मॉर्निंग, आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 11 बज रहे हैं। जस्ट अभी मैं शार लेके आई हूँ, आज नहाने में लेट हो गया क्योंकि हम लोग 8 बजे उठे हैं। और हुआ ये कि रात भर बहुत बारिश हो रही थी और 5 बजे नोनू उठ गया, मतलब बहुत तेज़ बादल गरज रहे थे, उसकी वजह से शायद डर गया होगा, फिर इसकी नींद खुल गई तो ये सोने को तैयार ही नहीं हुआ। मतलब 1 घंटे तक ये ऐसे ही बातें करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, तब जाके बड़ी मुश्किल से सोया। फिर इसकी वजह से मेरी नींद ख़राब हो गई तो फिर मैं भी 8 बजे ही उठी। तो सुबह सुबह नहा धो के दिया बत्ती करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, रूटीन इसके साथ में कुछ नहीं कह सकते कि मेरा रूटीन किस तरह से रहता है, इसके अकॉर्डिंग मेरा रूटीन चलता है। तो आज काफ़ी अच्छी सी धूप आई थी, रात भर अच्छी बारिश हुई थी इसलिए सुबह धूप आ गई थी, तो मैंने ये वाले मैट्रेस जो है ना धूप में डाल दिए नोनी, तो करीबन 2-3 घंटे से वो धूप में ही सूख रहे हैं क्योंकि नोनू ने उसमें पानी गिरा दिया था। मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने वॉश किया था तो कल गद्दों के ऊपर ही इसने पानी गिरा दिया, और यहाँ पे सेलन का बहुत डर है इसलिए मैंने आज उनको धूप लगा के सुखा दिया है। तो अभी मैं वो सब टाइडी अप करूँगी। लंच हो गया हमारा और 1:30 बज गए हैं। सबसे पहले हाय मिस्टर रावत। हाय नोनी, छाले ठीक हो गए पूरी तरह से? मुंबई में सबसे पहले वो गए थे कल सिद्धिविनायक और महालक्ष्मी टेम्पल। इससे पहले सिद्धिविनायक वो जा चुके हैं और जब नोनी नहीं हुआ था तो इसलिए वो दोबारा गए। तो सिद्धिविनायक मंदिर दोबारा गए हैं कल और गणपति बप्पा के दर्शन भी करके आ गए बहुत अच्छे से, और वहाँ से प्रसाद मिला है हमको, महालक्ष्मी टेम्पल से भी प्रसाद मिला है। माता रानी की चुनरी बहुत ही प्यारी सी। नोनी जय करो। ये महालक्ष्मी की होगी ना? गणपति। अच्छा, गणपति जी की है वो, और ये महालक्ष्मी, महालक्ष्मी टेम्पल से ये मिला है कमल का फूल, लोटस है ये लोटस। सिद्धिविनायक से मिली है क्योंकि जब हम हल्द्वानी में थे मिस्टर रावत तब भी गए थे सिद्धिविनायक, तब भी यही वाले फूलों की माला मिली थी बहुत ही प्यारी सी। जय जय गणपति बापा, आप सब भी गणपति बापा का आशीर्वाद ले लीजिए। आए ये मोदक, श्री सिद्धिविनायक से मोदक मिला है प्रसाद में, और ये भी मोदक है। वाव, आई लव मोदक। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद में मिली हैं वहाँ से और बहुत अच्छे से कल दर्शन हो गए। तो चलिए अब इसका मतलब आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय। नोनी एक चीज़ बोलो, पहले मम्मी बोलो, ये आजकल मम्मी बोल रही है, और बोलो मम्मी, माँ बोलो माँ। तो ये दो चीज़ें बोलना सीख गया है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये मम्मी माँ मम्मा सब बोलने लगा है।